सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे अज तीन नवनियुक्त सिंह साहिबान की सेवा संभाल पूरी पुरातन रवायत के मुताबिक संपूर्ण हुई है, जिसनों संगता के जयकारिया की गूंज के नाल परवानगी भी मिली। सचखंड श्री हरिमंदर साहब के नव नियुक्त ग्रंथी साहबान की सेवा संभाल की रसम अज पूरी पुरातन रवायत अनुसार संपूर्ण हुई। श्री अकाल तख्त साहब विखे समूह सिख जथेबंदियों वालों इस समागम के शिरकत की गई। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भाई राजदीप सिंह, भाई सुल्तान सिंह ते भाई बलजीत सिंह सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अमृतसर लई ग्रंथी साहबान नियुक्त किया गया है। श्री अकाल तख्त साहब की फसील तो सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी वालों लए गए फैसले अनुसार ज्ञानी राजदीप सिंह, ज्ञानी सुल्तान सिंह ते ज्ञानी बलजीत सिंह के नाम सचखंड श्री हरिमंदर साहब के ग्रंथी सिंह वजों ऐलान किए, जिन्हों हाज़र पंथक शख्सियत संगत ने जयकारिया की गूंज प्रवानगी दी। मता नंबर 791 मिति 23/8/2021 राही भाई राजदीप सिंह नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अमृतसर साहब विखे बतौर ग्रंथी नियुक्त किया है। मैं अज मिति 11 भादरों नानकशाही संमत 553 मुताबक 26 अगस्त 2021 दिन वीरवार को बतौर ग्रंथी सिंह साहिब सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अमृतसर साहब विखे सेवा संभालन का ऐलान करता हाँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब की अंतरंग कमेटी के मता नंबर 791 मिति 23/8/2021 राही भाई सुल्तान सिंह नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अमृतसर साहब विखे बतौर ग्रंथी सिंह नियुक्त किया है। मैं अज मिति 11 भादरों नानकशाही समत 553 मुताबक 26 अगस्त 2021 दिन वीरवार को बतौर ग्रंथी सिंह साहब सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अमृतसर साहब विखे सेवा संभालन का ऐलान करता हाँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहब की अंतरंग कमेटी के मता नंबर 791 मिति 23/8/2021 राही भाई बलजीत सिंह नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अमृतसर साहब विखे बतौर ग्रंथी सिंह नियुक्त किया है। मैं अज मिति 11 भादरों नानकशाही संमत 553 मुताबक 26 अगस्त 2021 दिन वीरवार को बतौर ग्रंथी सिंह साहब सचखंड श्री हरिमंदर साहब, श्री दरबार साहब, श्री अमृतसर साहब विखे सेवा संभालन का ऐलान करता हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। गौरतलब है कि श्री हरिमंदर साहब लई नित दिन दियां धार्मिक सेवावां निभाउण लई होर ग्रंथी साहबान की लोड़ नूं मुख रखदियां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कुछ महीने पहला श्रोमणी कमेटी नाल संबंधित समूह गुरद्वारा साहबान के ग्रंथियां ते निगराना नूं पत्र लिख के श्री हरिमंदर साहब विखे ग्रंथी सिंह की सेवा निभाउण दे इच्छुक 10 साल के योग तजर्बे वाले 40 साल तो वध उम्र वाले हैड ग्रंथियां ग्रंथियां कथावाचकां पंज प्यारियां दर्शनी गुरसिख दिख वाले सुरीली आवाज़ शुद्ध उचारण वाले व्याख्याकार अते श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा नूं समर्पित सिख विद्वानां तों दरखास्तां की मंग की गई सी, जिस दे लई 50 दे करीब इच्छुक उम्मीदवारां वलों अपनियां दरखास्तां दफ्तर मैनेजर श्री दरबार साहब नूं भेजियां गईयां सन। इन्हां दे विचों 30 दे करीब उम्मीदवारां दीआं दरखास्तां नूं शॉर्टलिस्ट कीता गया सी ते जिन्हां दा धार्मिक टैस्ट सिंह साहिबान वलों लिया गया।
मौजूदा समय की गल की जाए तो इस वेले श्री हरिमंदर साहब विखे ज्ञानी जगतार सिंह मुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह वधीक मुख ग्रंथी तो इलावा सिंह साहिब ज्ञानी अमरजीत सिंह सिंह साहिब ज्ञानी बलविंदर सिंह सिंह साहिब ज्ञानी गुरमिंदर सिंह समेत कुल पांच सिंह साहबान ही इस पावन अस्थान की मर्यादा निभा रहे हैं। इन तो इलावा अज तीन नवे सिंह साहबान की नियुक्ति हुई है। अज सजे विशेष दीवाना विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब के हजूरी रागी साहबान वालों इलाही कीर्तन सरवण करवाया गया। समय एक छोटे जे ब्रेक दा तुसी बने रहो एबीपी सांझा दे नाल। इस मौके दरबार साहिब दे हेड ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह अते एसजीपीसी दी प्रधान बीबी जगीर कौर वल्लों नवे नियुक्त किए गए सिंह साहिबान नूं वधाई भी दित्ती गई। श्री अकाल तख्त साहब विखे सचखंड श्री हरिमंदर साहब के तीन नव नियुक्त ग्रंथी सिंह साहबान नूं पंथक मर्यादा अनुसार सौंपी सेवा संभाल समागम दौरान संबोधन करदियां सचखंड श्री हरिमंदर साहब के मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह ने पावन अस्थान की सेवा संभाल के इतिहास ते रवायत तो जाणू करवाउंदियां इस सेवा नूं गुरु साहब की बख्शिश करार दिता। उन्हें कहा कि चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी वालों श्री अमृतसर शहर वसाउण मगरों पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब की स्थापना करके पूरे विश्व नूं अध्यात्मिक केंद्र प्रदान किया जिथे हर वर्ग के लोग नतमस्तक हो के अपनियां अरदासां करते हैं। उन्हें कहा कि इस पावन अस्थान विखे ग्रंथी की सेवा श्री गुरु अर्जन देव जी वालों भरोसाई हुई है क्योंकि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश समय आप बाबा बुढ़ा जी ने पहले ग्रंथी सिंह वजों माण बख्शिया। इस चलती आ रही रवायत अनुसार ही पंथ वालों मर्यादा अनुसार ग्रंथी सिंघां की नियुक्ति की जाती है। उन्होंने नवे नियुक्त हुए ग्रंथी साहबान को वधाई दी और पावन अस्थान की मर्यादा अनुसार सेवा निभाने की प्रेरणा दी। सतगुरु पातशाह जी ने सारे मुखी मुखी सिखा नूं एकत्र करके पुछया भी पोती साहब ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश स्थापन कित्थे कीता जावे। तां सिखा ने बेनती की महाराज सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया जाए। उस वेले इतिहास ने यह दर्शाया है कि सतगुरु पंजवें पातशाह जी ने विचार की हृदय विचारण श्री गुर करें टहल ग्रंथ की कौन सोतर है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की टहल सेवा भावना जी है वो कौन करेगा। फिर सतगुरु जी ने बेदियां वल्ले तेड़ा वल्ले पल्लिया वल्ले ते सोढ़ियां वल्ले निगाह मारी पे इन्हां विचों किसे नूं सेवा दे दित्ती जावे। पर फिर हजूर ने विचारिया बेदी तेहन पल्ले बंस सोढ़ी जे कुल के अवतंस इनको निज कुल को अहंकारा कर न सकेंगे सेव उदारा। सच्चे पातशाह जी कहन लगे इन्हां नूं अपनी अपनी कुल दा अहंकार होवेगा। कोई कहेगा मैं गुरु नानक देव जी कुल विचों हां, कोई कहेगा मैं गुरु अंगद साहब जी दी कुल विचों हां। इह गुरु ग्रंथ साहब जी दी श्रेष्ठ सेवा नहीं कर सकणी। फिर सतगुरु पातशाह जी ने विचारिया ए सेवक की वस्त सदीवा निरहंकार जिन्हों मन नहीं। ए सेवा सेवक दी है
जेड़ा निरहंकार है और अपने मन नूं नीवा रखता है, यह सदीव काल उन्हां सेवका दी सेवा है। सतगुरु पातशाह जी ने इउं विचार करके सेवा विच निपुण जो होए इहा करिए सत्थापन सोए। सतगुरु पातशाह जी कहन लगे जेडे सेवा दे विच निपुण होण उन्हां नूं ही इह सेवा दे विच स्थापन कीता जावे, उन्हां नूं इह सेवा दित्ती जावे। सतगुरु पातशाह जी दी नजर बाबा बुढ़ा साहब जी ते आन के टिकी ते हजूर ने कहा श्री नानक को दर्शन कीन अस सेवा विच बुढ़ा परवीन। महाराज साहब जी कहन लगे धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे दर्शन दीदार सतगुरां दी संगत दा आनंद मानण वाले बाबा बुढ़ा साहब जी इस सेवा दे विच परवीन। सियाणे ने, चतर ने, सुगड़ ने, सतगुरु पातशाह जी ने संगत जी फिर यह सेवा भादरों सुदी एकम सम्मत 1661 बिक्रमी सन 1604 ईस्वी नूं ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं इस सेवा दे योग जान के इस सेवा ते स्थापन कीता। ते की क्या बुढ़ा साहेब निज सिर धर कर ग्रंथ आगे चलो सुधासर पंथ। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं गुरु ग्रंथ साहब जी दा स्वरूप पहला नूं पोथी साहब ही कहा जांदा सी जां ग्रंथ साहब कहा जांदा सी। गुरता गद्दी दी दात सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने बख्शिश की। संगत जी गुरु ग्रंथ साहब जी दा स्वरूप श्री हरिमंदर साहब पहुंचिया सोहणी मंजी साहब दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी सुभायमान कीते गए। सतगुरु पंजवें पातशाह जी आप वार वार चौर दी सेवा करते रहे। आसा दी वार दा जदों भोग पिया ते हजूर कहन लगे बुढ़ा साहेब खोलो ग्रंथ लिओ आवाज सुने सब पंथ। अदब सहित तब ग्रंथ सो खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। बड़े प्यार सत्कार नाल बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया। गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्मनामा लिया सूई खलोया हर काम करावने आया राम। संगत जी ये मर्यादा धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आप आरंभ कीती है। जेड़ी मर्यादा अज निभाउण वास्ते समुच्चा पंथ श्री अकाल तख्त साहब जी की पावन हाजरी विच गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच जुड़ बैठा है। तीन गुरमुखा प्यारियां नूं संगत जी यह सेवा की दात प्राप्त हुई है। जिसके मस्तक भाग सो सेवा लग। यह सेवा चतराई नाल नहीं, यह सेवा सिफारशा नाल नहीं, यह सेवा वड्डी दे के भी प्राप्त नहीं हुंदी। ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਨ।
उन्हें कहा कि पहले ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी तो लैके अज तक इस पावन अस्थान से वक्-वक् शख्सियत सेवा निभाउंदियां रही हैं। बीबी जगीर कौर ने कहा कि यह सेवा गुरु की बख्शिश के नाल प्राप्त होंगी है। उन्हें नवे नियुक्त हुए ग्रंथी सिंह साहबान को मुबारक देंदिया आस प्रगटाई कि यह तिने शख्सियतां पंथ की इस सत्कारत पदवी की माण मर्यादा की पालना करद्या सिख पंथ की सेवा करनगियां। साडी सारियां दी वड्डी जिम्मेवारी बनती है कि जिहड़ा घर सांझीवालता दा घर है, जिस सोच नूं लैके धन गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं सेवा दित्ती सी, इस तों वड्डी सोच होर कोई नहीं हो सकदी। ते अज साडा सारियां दा इह बड़ा ही महत्वपूर्ण दिहाड़ा है कि जिस घर दे विच संगतां नतमस्तक होण वास्ते तरसदियां रहिंदियां हन, जिस दर के दर्शन वास्ते संसार भर विच हर समय लोचदियां रहिंदियां हन, ते उस गुरु दरबार विच मेरा ख्याल है कि जंगले के अंदर जाण वास्ते भी हर व्यक्ति सोचता रहिंदा कि कदों सानू किते बख्शिश होवे ते असीं गुरु दे कोल जाके बैठ सकीए। बहुत सारी दुनिया के लोग होणगे जिन्हां दी चाहत हुंदी होवे कि किते असीं भी इस स्थान उत्ते जाके बैठ सकदे हां, किते असीं भी जाके उत्थे नतमस्तक कोल होके कर सकते हैं। गुरु प्यारियो, ये तुहाडी बहुत वड्डी अज बख्शिश दी करी है, ते जिड्डी वड्डी बख्शिश है ओडी वड्डी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी नूं सांभ के रखना किसे दे भागां विच हुंदा है, ते जे अज तुसीं इक अरदास करके इस संकल्प लैके तुरे हो धन गुरु अर्जन देव जी, धन पंचम पातशाह, जिहड़ियां बख्शिशां तुसीं साडे ते कीतियां किसे समय बाबा बुढ़ा साहब ते कीतियां सन, किते कृपा करियो बाबा बुढ़ा साहब जी दी चरण धूड़ ही लैण दे सानू पात्र बना दियो। रुकदे इक होर छोटे जे ब्रेक लई, बने रहो एबीपी सांझा दे नाल। सेवा संभाल समागम मौके धार्मिक शख्सियतां वालों सिंह साहिबान नूं दस्तार अते सिरोपे दे नाल सन्मानित भी कीता गया। सचखंड श्री हरिमंदर साहब के तीन नव नियुक्त ग्रंथी सिंह साहबान सेवा संभाल उपरंत सचखंड श्री हरिमंदर साहब के मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर, श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह, तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, तख्त श्री पटना साहब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौरे मस्कीन समेत वक्-वक् सिख जथेबंदियां, श्रोमणी अकाली दल अते धार्मिक सभा सुसाइटियां दे नुमाइंदियां अते प्रमुख धार्मिक शख्सियतां ने दस्तारां अते सिरोपाओ भेंट कीते। जितों सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह जी, सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी, सिंह साहब ज्ञानी बलजीत सिंह जी, बड़ी वड्डी उपाधि आ, भाई ते बाबे दी भी बहुत वड्डी उपाधि आ, पर सिंह साहब अज तो तुसी सजाए गए आ। ते मैनू एक महापुरश कहिंदे वी जे मन डोले ना तां पिछोकड़ वल नूं देखो, उह पिछोकड़ के बाबा बुढ़ा जी बैठे गुरु पातशाह दे सानमुख वजीर बण के, ते धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज मोहरे बैठे, इस गल नूं हमेशा हिरदे दे विच रखणा। सो मैं निम्रता सहित बेनती करूंगा कि काली ने पाउणी जेड़े जेड़े शरीर दा मैं नां लूंगा, ये तिने ही सिंह साहब गुरु दे सामने खड़े हो जाण, मैं कले कले दा नां लूंगा, फिर ना सिरपाओ दिता जांदा ना कोई ढंग तरीका रहिंदा। सब तो पहला आ थोड़ी जी जिहड़ी जगह थोड़ी जी खाली कर दिओ तां कि सारे इधर सिरपाओ दिते जा सकन। सब तो पहला बेनती करूंगा श्री हरिमंदर साहब जी दे मुख ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी, ओ तिने सिंह साहबां नूं गुरु घर दी बख्शिश जो पुरातन मर्यादा इवें सिख पंथ विच चल रही आ, उहनां नूं इह सिरपाओ दे रूप विच दस्तार दे रूप दे विच सन्मान भेट करनगे। सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी नूं बेनती करूंगा, ओ गुरु घर दी बख्शिश
भेट कर बोले सो निहाल सिंह साहब भाई बोले सो निहाल सिंह साहब ज्ञानी बलजीत सिंह जी सिरपाओ की बख्शिश हो रही बोले सो निहाल सो बहुत धन्यवाद। सेवा संभाल समागम मगरों नव नियुक्त हुए तिने ग्रंथी सिंह साहबान ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे कड़ा प्रसाद की देख करवाई और सिख रवायत अनुसार अरदास उपरंत पावन हुक्मनामा लैके सेवा शुरू की। इस दौरान उन्होंने बाबा अटल राय साहब भी चलती आ रही पंथक रवायत तहत देख करवाई तो पावन हुक्मनामा लिया। फिलहाल नहीं मैनूं दे इजाजत देश दुनिया ते पंजाब दीआं वड्डीआं खबरां वेखण लई बने रहो एबीपी सांझा दे नाल।